2021-22 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु। पंचामृत योजना, इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग कराना। मातृभूमि योजना, इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, 8 से 18 वर्ष के आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा देना। मध्य प्रदेश CM राशन आपके द्वार योजना, इसका उद्देश्य हर महीने अपने गांव में जनजातीय समुदाय के लाभार्थी को PDS राशन का मासिक कोटा प्रदान करना। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। महत्वपूर्ण उद्योग क्रांति योजना, इसके तहत राज्य सरकार MSME स्टार्टअप के लिए 50 लाख ऋण को ₹1 लाख प्रति वर्ष 3% ब्याज सब्सिडी और अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए बैंक ऋण गारंटी प्रदान करेगी। रोजगार सेतु योजना, ये सारा किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं। प्रवासी श्रमिक को रोजगार प्रदान करना उमरिया जिले के पुलिस द्वारा। क्या क्या है MP का? CM राशन आपके द्वार, लाडली लक्ष्मी 2.0, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, रोजगार सेतु योजना। अब है छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री मितान योजना है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है, कौशल्य मातृत्व योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना। इस योजना के तहत निवासी अपने दरवाजे पर जन्म, जाति, आय और विवाह प्रमाण पत्रों की डिलीवरी सहित लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन कृषि करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। कौशल्य मातृत्व योजना, इसके तहत अब राज्य में दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपये की राशि। छत्तीसगढ़ का ऐसा रहा। पश्चिम बंगाल का क्या क्या है? परय शिक्षालय परियोजना, माँ की रसोई योजना, परय शिक्षालय योजना, इसके तहत प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। माँ की रसोई योजना, गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए। उड़ीसा का घर पर पोषण योजना, अविकसित और कमजोर विकास वाले बच्चों एवं अनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु। आशीर्वाद योजना, कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए। कर्नाटक जनस्पंदन योजना, जनता के शिकायतों के निवारण हेतु। जनसेवक योजना, सरकारी सेवाओं के नागरिकों के दरवाजे तक लाने के लिए। गुजरात वतन प्रेम योजना, इसके तहत गुजराती 60% का धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। गो ग्रीन योजना, औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चलित दुपहियों वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान करना। झारखंड का सहाय योजना और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। सहाय योजना, माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने हेतु। शिक्षा के प्रति उत्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। केरल स्ट्रीट परियोजना, पर्यटकों को राज्य के पर्यटक स्थलों की विविधता के बारे में जानकारी देना। तमिलनाडु पुधुमाई पेन योजना, सरकारी स्कूलों से शिक्षा संस्थानों में लड़कियों के नामांकन अनुपात को बढ़ाना। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, 27 जुलाई 2022 के 15,445 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में यह योजना लागू की गई है।
मिंदम मंचपाई योजना, प्लास्टिक के थैलियों को सीमित कर कपड़ों के थैलों को बढ़ावा देना। अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि या बागवानी योजना, कृषि या बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। तेलंगाना आशा पेंशन योजना या वृद्धों विधवाओं बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है। नेत्रा बीमा योजना, इसे बुनकरों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। फिर राजस्थान महिला निधि योजना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु महिला निधि योजना है। और क्या क्या है राजस्थान का, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बैक टू वर्क योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। ठीक है, महिला निधि योजना क्या है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इसके इस शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलेगा। बैक टू वर्क योजना, इसके तहत 3 वर्ष के लिए 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC और ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु। महाराष्ट्र जीवाला योजना, जेल में बंद कैदियों को 3 साल से अधिक वाली को 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा। हरियाणा में क्या क्या, चिराग योजना, चाला बिजली योजना, ई अधिकम योजना है, मातृ उद्यमिता योजना है, खेल नर्सरी योजना 2022-23 है, एक ब्लॉक एक उत्पाद है। चिराग योजना, इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आयु वाले परिवारों के बच्चों को कक्षा 2 से 12 तक के निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा चिराग योजना में। फिर चारा विजय योजना, इस योजना का उद्देश्य गौशाला की खेती और चारे की आपूर्ति करने वाले किसानों को ₹10,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करना। ई अधिकम योजना, इस योजना के तहत हरियाणा बोर्ड के कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र 2 GB इंटरनेट डेटा के साथ मुख्य टैबलेट प्राप्त करने के पात्र होंगे। ई अधिगम योजना में मातृशक्ति उद्यम योजना, इस योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से कम है उन्हें वित्तीय संस्थाओं के द्वारा 3 लाख तक के नरम ऋण तक पहुंच प्रदान की जाएगी। खेल नर्सरी योजना 2022-23, निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों और खेल संस्थानों में खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। दिल्ली श्रमिक मित्र योजना, इसके तहत दिल्ली में सभी निर्माण श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। आंध्र प्रदेश फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराना, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का। और एक है YSR यंत्र सेवा योजना, किसानों को कम लागत पर कृषि में उपयोग करने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना। उत्तराखंड का है उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहरी योजना, यह योजना ये सारा हिमाचल प्रदेश नहीं उत्तराखंड का। हिम प्रहरी योजना, यह योजना पूर्व किसानों और युवाओं के जिनका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही 500 दूध बिक्री केंद्र खोलना।
घसियारी कल्याण योजना, पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना। जम्मू कश्मीर परवाज योजना, जल्दी ख़राब होने वाले फलों और सब्जियों को कार्गो के माध्यम से बाजार तक पहुंचाना। हिमाचल प्रदेश योजना, नारी को नमन योजना, इसके तहत राज्य की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी। लद्दाख कुंसियम योजना, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने हेतु। असम विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स योजना, आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। स्वनिर्भर नारी योजना, यह असम में स्वदेशी बुनकर को सशक्त बनाने की योजना। मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना, कोविड के कारण अपने माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री शिशु अचोनी योजना असम का है। बिहार का मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, इसके तहत व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए उन्हें पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें उपचार, पारिवारिक सुदृढ़ीकरण और व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधा है। महिला मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। पंजाब लोक मिलने योजना, जन संपर्क बढ़ावा देना और लोगों और राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। मेरा घर मेरे नाम योजना, इस योजना के तहत गांवों और शहरों के लाल डोरे के भीतर आने वाले घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलाएगी। पंजाब का त्रिपुरा का अन्वित लर्न योजना को उद्देश्य अच्छा उन छात्रों को नामांकित करना जिन्होंने COVID-19 के प्रकोप के बाद स्कूल छोड़ दिया था। फिर CM चाश्रमी कल्याण प्रकल्प योजना, राज्य के 7000 चरण बगान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।